उत्तर प्रदेश के कासगंज नगर पालिका में तैनात टैक्स कलेक्टर के साथ भाजपा नेता द्वारा दफ्तर को बंद कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद गुस्साए पालिका कर्मी ट्रैक्टरों में भरकर कोतवाली पहुंच गए और कार्रवाई को लेकर जमकर कोतवाली में हंगामा काटा। साथ ही कार्रवाई न होने पर पालिका कर्मियों ने काम बंद करने की धमकी दी। दरअसल पूरा मामला कासगंज नगर पालिका परिषद के टैक्स कलेक्टर दफ्तर का है, जहां टैक्स कलेक्टर अमर जयंत का आरोप है कि डीएस लोधी अपने साथियों और दो प्राइवेट गनर के साथ दफ्तर में पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया और मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द बोलते हुए फरार हो गए। वह खंडर प्लांट को मकान में तब्दील कराना चाह रहे थे, उनकी जांच पूरी नहीं हुई थी, इसी बात को लेकर मारपीट कर दी। उधर मामले की जानकारी टैक्स कलेक्टर के साथियों को हुई तो वो आक्रोशित हो गए और ट्रैक्टरों में भरकर कोतवाली पहुंच गए, जहां एफआईआर कराने को लेकर कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। हालांकि कोतवाल ने समझा बुझा कर एक घंटे बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कर दिया। मैं आपको राजवीर साहू सांसद जी के प्रतिनिधि बताते हैं, डीएस लोधी वो करीबन आधा दर्जन लोगों के साथ टैक्स भाग में आए और मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपीट की, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने कहा महिला कर्मचारी बचा भी रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कुंडी लगा के इतना गैर जिम्मेदारी निंदनीय अपराध किया जो कि जघन्य अपराध है। किसी सरकारी दफ्तर में ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट करना एक जघन्य अपराध है। डीएस लोधी क्या पद है? डीएस लोधी अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताते हैं, ये दबंगा ये और एक गनर भी था साथ में उनके, एक गनर को रोकना चाहिए कि क्या कर रहे हो भाई, आप सांसद हो नहीं, विधायक हो नहीं, प्रतिनिधि हो नहीं। मांग हमारी ये मांग है कि मैं डीएस लोधी को जेल में भिजवाना चाहता हूँ, उनके खिलाफ मुकदमा एससी एसटी और सरकारी कार्य में बाधा होने के चक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा कराना चाहता हूँ। तो धरना होगा सरकारी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।